सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता के वकील ने बताया कि क्यों पटना में दर्ज कराना पड़ा था उन्हें केस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि सुशांत के पिता ने करीब 4 महीने पहले बांद्रा पुलिस के DCP से रिया चक्रवर्ती के बारे में शिकायत की थी, लेकिन उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि सुशांत के पिता के वकील ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए इस केस को पटना में दर्ज कराया गया। वकील ने बताया है कि सुशांत के पिता के सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया ही उनके बेटे को परेशान करती थी, वो बेटे के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। इतना ही नहीं, वो फैमिली वालों से भी बात तक करने नहीं देती थी। उसने परिवार को सुशांत से अलग कर दिया था। इस घटना के पीछे रिया की लंबी प्लानिंग थी, वो सारी मेडिकल फाइल लेकर चली गई थी। सुशांत के पिता के वकील विकास ने यह भी बताया कि सुशांत का परिवार शोक में डूबा था। मुंबई पुलिस उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए केस दर्ज कराने में करीब 1.5 महीने का समय लग गया। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस परिवार पर यह दबाव बना रही थी कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम ले लें। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस इस जांच को दूसरी दिशा में ले जा रही है। खबरों की माने तो सुशांत का परिवार इस केस की पूरी जांच पटना पुलिस से कराना चाहता है, क्योंकि अब उसे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। आपको बता दें कि इस मामले पर पटना पुलिस को भी कुछ परेशानी थी। सुशांत के पिता के वकील ने बिहार CM का भी धन्यवाद किया है। पटना सिटी के SP के मुताबिक FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि किन से पूछताछ होगी। सुशांत के पिता ने जिनका भी नाम दिया है उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अभी तक किसी को भी पूछताछ का नोटिस नहीं दिया गया है। जी हाँ, सुशांत के पिता के वकील ने जिस तरीके से मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस भी घेरे में आ सकती है। बॉलीवुड से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।